आपका पहला सवाल है, लाल हाथी कहाँ पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है, ए केन्या में, बी नेपाल में, सी भारत में, डी श्रीलंका में। आपका सही विकल्प है, ए केन्या में। आपका दूसरा सवाल है, विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आपका ऑप्शन है, ए गुयाना देश, बी ब्राजील देश, सी भारत देश, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही विकल्प है, सी भारत देश। आपका तीसरा सवाल है, टाइटैनिक जहाज किस सन में डूबा था? आपका ऑप्शन है, ए सन 1912, बी सन 1945, सी सन 1947, डी सन 1950। आपका सही विकल्प है, ए सन 1912। आपका चौथा सवाल है, बटर की खोज किस देश में हुई थी? आपका ऑप्शन है, ए जापान में, बी भारत में, सी नेपाल में, डी अमेरिका में। आपका सही विकल्प है, बी भारत में। आपका पांचवा सवाल है, काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन है, ए मूर्ख होना, बी विद्वान होना, सी बड़े बड़े अक्षर लिखना, डी विद्वानों को मूर्ख समझना। आपका सही विकल्प है, ए मूर्ख होना। सामान्य ज्ञान की ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर अवश्य रखें। आपका छठवां सवाल है, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है, ए चेतक, बी बादल, सी बुलबुल, डी नत्यरंभा। आपका सही विकल्प है, डी नत्यरंभा। आपका सातवां सवाल है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री बचपन में अखबार बेचते थे? आपका ऑप्शन है, ए राजीव गांधी, बी मनमोहन सिंह, सी नरेंद्र मोदी, डी एपीजे अब्दुल कलाम। आपका सही विकल्प है, डी एपीजे अब्दुल कलाम। आपका आठवां सवाल है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपका ऑप्शन है, ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी बास्केटबॉल। आपका सही विकल्प है, ए क्रिकेट। आपका नौवां सवाल है, मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? आपका ऑप्शन है, ए प्रियंका चोपड़ा, बी कैटरीना कैफ, सी इंदिरा गांधी, डी सुष्मिता सेन।
सही विकल्प है। जी, सुष्मिता सिंह।